शाब्दिक अर्थ है जहाँ पे मनुष्य के किए हुए एक पाप का खल होता है, उसको बोलते हैं कनखल। राजा दक्ष ने जो यहाँ पे यज्ञ किया था जिसमें माता सती को नहीं बुलाया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया, तो माता सती बिना आमंत्रण के ही यज्ञ में भाग लेने के लिए आई। भोलेनाथ ने उनको मना भी किया कि भाई बिना आमंत्रण नहीं जाना चाहिए, तो माता सती बिना बुलाए ही आई। तो जहाँ बिना बुलाए आने से जो उनका तिरस्कार अपमान हुआ माता का, तो उसमें बाद में क्रोध में आके माता ने यज्ञ कुंड में अपने शरीर की जो आहुति दी वो दक्ष प्रजापति मंदिर आगड़ आएगा। यहाँ पे जो हम पहले कनखल जो एक क्षेत्र का नाम है, इसके जो पहले दो मंदिरों का जो हम दर्शन करा रहे हैं, ये नवग्रह मंदिर है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे नवग्रह का दर्शन और आठ धातुओं से बना हुआ अष्ट धातु षड्यंत्र का दर्शन, रुद्राक्ष वृक्ष का दर्शन और एक मुखी रुद्राक्ष का जो पारे का दर्शन होता है उसका दर्शन का लाभ कर लेंगे। इसके पश्चात आप 10 कदम पीछे जाएंगे तो वहाँ पर रामेश्वर मंदिर का दर्शन करेंगे, जहाँ पे राम नाम का पत्थर है रामेश्वर से लाया हुआ, और स्फटिक शिवलिंग और विष्णु चक्र शालिग्राम का दर्शन करेंगे। रामेश्वर मंदिर और नवग्रह दो मंदिर हैं। इसके पश्चात ये दो दर्शन करने के बाद फिर सीधा जो मेन दर्शन है कनखल का, भोलेनाथ की ससुराल, जहाँ दक्ष प्रजापति मंदिर, राजा दक्ष का जो महल है, वहाँ पर हम लेके जाएंगे ये दो मंदिर करने के बाद, ठीक है ना। तो ये दर्शन करेंगे और बाकी ये भैया बताएंगे, आश्रम के व्यक्ति हैं वो आपको। चलो, मंदिर की तरफ से जानकारी मिलती है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है, गुरु जी की तरफ से सेवा है। ये जो भी लोग आए ना उनको थोड़ा मालूम पड़े इधर के बारे में कनखल, और ये पूरा जो कनखल क्षेत्र है ना, ये शंकर भगवान के ससुराल के नाम से जाना जाता है, शिव का मैरिज जॉइंट। आप सभी ने सुना भी हो दक्ष प्रजापति, तो राजा दक्षिणी नगरी। अभी इधर में जो मंदिर आप दर्शन करने वाले हैं नवग्रह का मंदिर है। अंदर में जाएंगे ना आप, ऐसे परिक्रमा करेंगे, हर ग्रह के नीचे उसका नाम है, बीच में यंत्र है लक्ष्मी का जिसको श्रीयंत्र के नाम से हम जानते हैं। दर्शन करके बाहर आएंगे तो आपने सुना है ना रुद्राक्ष, सुना क्या, मोस्टली आपके पास भी होगा, यहाँ नहीं तो घर पे होगा। मैं आपको झाड़ पे ना लगा हुआ दिखाने वाला हूँ और थोड़ा आपको इधर के बारे में बताऊँगा कि जगह का महत्व क्या है। तो कोई पैसा कोई चार्ज नहीं, फ्री है। तो अभी आप आए ना भगवान शिव के ससुराल में, तो पहले आप दर्शन करें स्फटिक शिवलिंग का। तो शिवलिंग आपने हाथ परिक्रमा करना है या तो नहीं करना, हाथ जोड़ना, फिर ये मेन मंदिर है नवग्रह का, इसमें परिक्रमा करना, फिर मैं आपको झाड़ दिखाऊंगा। तो जिसने भी जूता चप्पल पहना अपना साइड में खोल देंगे और खुला रहने देंगे। महादेव તમે જે જોઈ રહ્યા છો કે યંત્ર દેવ શ્રી યંત્ર અને ચારેકોર બધા ભગવાન છે એની પ્રદક્ષિણા આપણે કરી શકીએ છીએ। શ્રી યંત્ર કહેવાય અને જો આ બધા જે નવ ગ્રહ આપણે નવ ગ્રહ હોય જે કહેવાય શનિ केतु प्रस्मति ब्रह्मस्पति बुध शुक्र पची माँ भवानी सूर्य चंद्र अने मंगल अने राहु भैरव। साहेब जयरे कोई टेलिकोस्ट जमा ना ने त्यारे नवग्रहनी शोध थी गई थी, त्यारू से यार लाजवंती। इसमें क्या फर्क क्या, इसमें इसमें जो है अगर आपके मन में श्रद्धा है तो ये जो है ना ऐसे झुकेगा नहीं, अगर नहीं है तो झुक जाएगा। श्रद्धा है तो कैसे कैसे घर पे ले जाते हो यहाँ पे लाजवंती भैया, उसको आपके गुजरात में बोलते हैं लाजवंती, इधर में बोलते छुई छूना का छू सकते हैं तो चुक जाते हैं। अरे भैया वो मजाक सभी ने नाम सुना है ना दक्ष प्रजापति, तो राजा दक्ष की पुत्री थी माता सती जिनका विवाह हुआ शिव के साथ। तो यहीं पर एक बार माता ने हवन कुंड में कूद कर अपने प्राणों का त्याग दिया, तो भगवान शिव यहाँ एक कंकल में और यहाँ आकर माता के मृत शरीर को उठाया और हिमालय की ओर बढ़ गए। जैसा आप सभी ने नाम सुना ना बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ की ओर जब वो बढ़े तो रास्ते में एक जगह है रुद्रप्रयाग, अगर आप में से कोई यात्रा पे गया होगा तो उसको मालूम भी होगा। तो रुद्रप्रयाग पर माता के मृत शरीर को नीचे रखा और तांडव नृत्य शुरू किया, तो बहुत ज़्यादा दुख में और माता सती के वियोग में होने से भगवान शिव की आँख से
जो जो आंसू गिरने लगे पृथ्वी पर, उससे पृथ्वी पर एक वृक्ष की उत्पत्ति होती गई, जिस वृक्ष का नाम है रुद्रा। तो देखो, रुद्राक्ष आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने देखा भी होगा, मोस्टली आपके पास भी होगा, यहाँ नहीं तो घर पे होगा। रुद्राक्ष 1 से 14 मुखी तक हिमालय से पाए गए। कहते हैं कोई भी रुद्राक्ष भाग्य से हमारे घर मंदिर में होता है, तो जिस घर में रुद्राक्ष का वास रहता है उस घर में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है, सभी दोषों से मुक्ति मिलती है, घर में शांति और खुशहाली का वास रहता है। आपने देखा ना, बहुत लोग माला भी पहनते हैं। रुद्राक्ष माला जो बनती है ये बनती है पंचमुखी रुद्राक्ष में। पंचमुखी को कहा जाता है पंच परमेश्वर। कहते हैं अगर 108 दानों की छोटे दाने की माला को हम गले में पहनते हैं तो रुद्राक्ष धारण व्यक्ति को दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र की प्राप्ति मिलती है और मरने के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। जिनको हार्ट की दिक्कत होती है उनके लिए बहुत अच्छा है रुद्राक्ष माला पहनना, और नहीं पहनते तो उसको रात को तांबा का लोटा में डाल के ना सुबह खाली पेट पानी पिए। तो जिनको शुगर होता है, ब्लड प्रेशर हाई लो रहता है, पेट के रोग होते हैं, उसमें एक रामबाण औषधि का काम करती है। लेकिन रुद्राक्ष में जो मेन रुद्राक्ष होता है वो होता है एक मुखी। 12 वर्ष में एक झाड़ से सिर्फ एक फल होता है। कहते हैं उसका दर्शन हो जाए ना वही बहुत होता है, और भाग्य से वो यदि हमारे घर में प्रवेश कर जाए तो साक्षात शिव का वास रहता है, जिस घर में एक मुखी रुद्राक्ष का वास रहता है। तो यहाँ पर ये जो 4 धाम सुना है ना अपने, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री, तो 2 साल से बंद थे शायद आपको मालूम हो कोविड के कारण, तो अभी खुले हैं। तो 4 धाम कपाट खुलने के उपलक्ष्य में सभी को उसका दर्शन करा रहे हैं, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं, फ्री। थोड़ा आपको रुद्राक्ष की ना सही और गलत की पहचान बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी सड़कों पे बहुत देखते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकर भी चले जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि लाभ नहीं मिल रहा। लाभ तब मिलता है जब रुद्राक्ष ओरिजिनल है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको सही गलत की फर्क बता रहे हैं कि कभी भी कहीं भी लो, लेकिन मेन उसके खरे खोटे की पहचान कैसे करें। ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर झाड़ पे गोल गोल देख रहे हैं, दिख रहा है सभी को नीला नीला दिख रहा है, बहुत सारा लगा है, लेकिन अभी दूर से आपको शायद ना दिख रहा हो, दिख रहा है सबको। तो ये जो है ना फल है, लेकिन अभी लगना शुरू हुआ है। कभी भी रुद्राक्ष को संपूर्ण रूप में देखना हो ना तो जनवरी फरवरी मार्च मार्च में इनको निकाल लिया जाता है, लेकिन ये अभी लगना शुरू हुआ है। और रुद्राक्ष को निकालने के बाद इनका छिलका होता है ना उसको हटाते हैं, तो रुद्राक्ष में लाइन होता है, लीटी बोलते हैं ना आप, लीटी नु गिन के खबर पड़ती है कौन कितना मुख है। तो एक बार हाथ जोड़कर मेरे साथ में बोले हर हर महादेव, और मेरे साथ में है हमें दर्शन करें आप एक मुखी रुद्राक्ष का, आ जाएंगे ऐसे आ जाओ। सर में थोड़ा जानकारी मिलती है, और ये जानकारी यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा आपको दी जाती है कि आपको थोड़ा सही गलत के बारे में मालूम। 14 मुखी तक सभी रुद्राक्ष होते हैं इस प्रकार के, गोल आकार के। इनको पहचानने का तरीका है इनके ऊपर लिट्टी, आप लोग लिट्टी बोलते हैं ना, जितने लिट्टी होती है उतने मुखी रुद्राक्ष होता है। ये रुद्राक्ष हर साल होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, आसानी से आप देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे दुर्लभ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो होता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक को हम द्वितीयो नास्ति, भगवान शिव एक है, रूप उनके अनेक है। तो एक मुखी रुद्राक्ष 12 वर्ष में एक पेड़ पर एक जन्म लेता है। तो दर्शन करें सभी लोग, जैसे आप लोगों ने देखा हो भगवान शिव का मूर्ति, उनके माथे पर नेत्र बना हुआ है जिनको त्रिनेत्र हम लोग कहते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्र के आकार का होता है। इनके ऊपर एक लाइन सेंटर में होती है जिसको एक मुख कहते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष और नवरत्न माला, ये 2 चीजें हिमालय की प्राकृतिक देन में सबसे मुख्य है। इनकी पूजा बद्रीनाथ से पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी के आश्रम में 108 ब्राह्मणों के द्वारा 7,00,000 महामृत्युंजय मंत्र के जाप से 21 दिन तक संपन्न होती है। इनके बारे में कहा गया है सोमवार शुभ का दिन, सोमवार के दिन गंगा जल या गाय के दूध से शुभ करें, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, और भाग्य से लाल कपड़े के ऊपर यदि पूजा में रखते हैं तो जिस घर में एक मुखी का वास होता है उस घर में छुपे हुए बैड इफेक्ट, तंत्र क्रिया, जादू टोना, भूत की बाधा, बाहरी हवाएं बुरी नजर, घर में कोई दोष जैसे दिशाएं दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, ग्रहण दोष, मांगलिक दोष, काल सर दोष या चांडाल दोष, इनके जो दुष्परिणाम परिवार में होते हैं जैसे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, पैसा घर में आता है टिकता नहीं, परिवार में मतभेद रहते हैं, बच्चे पढ़ते लिखते बहुत है डबल माइंड हो जाते हैं, आप लोग अपने व्यापार में नौकरी में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कोई तरह की सफलता नहीं मिल पाती, ऐसे अनेक दोषों को समाप्त करता है एक मुखी रुद्राक्ष। लेकिन क्वालिटी ग्रेड ए होना चाहिए। छूटा जो होता तो छूटा पर मड़ी जाए 10 रुपया 9 सिक्का। અને આ છે અહીંયા માતા સતીનો અહીંયા જગ્યા, અને આપણે જે જઈ રહ્યા છે દક્ષેશ્વર મહાદેવ, તમે જે જોઈ રહ્યા છો કે આ જે જગ્યાએ દક્ષેશ્વર
જે જન્મ ધર્મ ના દેખાડો હમણાં તમને મંકી બતાવું જો હા તમે જે જોઈ રહ્યા છો કે દક્ષ યજ્ઞ ના કુંડ માતા સતી ને આપને પ્રાણ કી આપતી દી થી ઇસમે આપકો પતા હૈ ના રાજા દક્ષ પ્રજાતિ ને યહાં હવન કિયા થા યજ્ઞ કિયા થા સો મહાદેવ કા અપમાન કરા થા તો માતા સતી ને આપને પ્રાણ કી આપતી દીયા થા વો યે એરિયા હૈ યે જગહ હૈ યે જગહ હૈ આ છે મહાદેવ ગંગા નદી પગ ધોવાનું મહત્વ એટલે એક મહિના પગ ધોને કા ક્યાં મહત્વ હે યહાં અખંડ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત હોતા હૈ ભગવાન શિવ કે ચરણ સતી મૈયા ને ધોએ તો બાબા ને આશીર્વાદ દિયા અખંડ સૌભાગ્યવતી વાન ભવ તો યહાં ઓઈ સ્ત્રી કો સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત હોતા હૈ ગંગા મૈયા કે ચરણો મેં ભગવાન શિવ કી યે સસુરાલ હૈ સસુરાલ મેં ભગવાન શિવ પ્રસન્ન રહેતે હૈ સબકી અરદાસ પૂરી કરતે હૈ સબકી ભાવનાએં પૂરી કરતે હૈ આશીર્વાદ દેતે હૈ જિસસે લોગોં કા કલ્યાણ હોતા હૈ ઓર પતિ કી દીર્ઘાયુ હોતી હૈ અખંડ સૌભાગ્યની આગળ શરૂઆત કરતા કરતા પહોંચી ગયા છે ચંડી દેવી તો હું તમને જગ્યાનો નજારો બતાવું અને અહીંયા વાનર મહારાજ લીલું છમ આખું જગ્યા અને આ છે માતાજીનું મંદિર આ મંદિરની જગ્યા જોઈ લે જોઈ રહ્યા છો કે થેક લાગીને ચુંદડીઓ છે ઋતિકભાઈ દર્શન કર્યા મજા આવી ને ચંડી દેવીના દર્શન કર્યા ખૂબ જ આનંદ થયો અમને બાપ દીકરાની જોડી બાપ દીકરાની જોડી અમે ચંડી દેવી હમણાં પહોંચી ગયા હતા હવે આગળ જઈ રહ્યા છે મસ્તીની સફરમાં રોપવેમાં પાછા રિટર્ન નીતા બીક લાગશે ને મમ્મીને અને એ બેને અલગ રાખી દો કારણ કે બીક બહુ લાગે છે પણ ચાલો જોઈ લો તમે જે જોઈ રહ્યા છો કે અત્યારે સ્ટોપ થઈ ગયું જીવ અદર થઈ જાય કાકા અત્યારે જો પાછું આ ચાલુ કર્યું એ ચલો ગો સિગ્નલ મળી ગઈ છે હવે અમે જાશું અરે વાહ આ તમે જે જોઈ રહ્યા છો કે સરસ મજાનું કુદરતી દ્રશ્ય અને આ જોઈ લ્યો આ હા 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 સુનિતા જન નજારો તો જો ખાલી ના ના કાંઈ ન થાય પપ્પા બેઠા ત્યારે બધું સરખું થઈ જાય જોઈ લ્યો બેટા બીક લાગે તને મહાદેવ દેવો કે દેવ મહાદેવ છોટે મહાદેવ બિરાજ ચુકે હે શું નજારો છે યાર ખરેખર તો આમ જન્નત માં આવ્યો લાગે જો ખાલી તાર મમ્મી ને બીક લાગે તને હવે બીક નથી લાગતી પેલા તો કેટલો બીતો હતો નાનો નાનો હતો ને ત્યારે ઝાડવા વચ્ચે અને પહાડો વચ્ચે
અરે કેવો એકદમ ખરેખર તમે માનશો નહીં, સ્વર્ગ છે સ્વર્ગ. અને આ જગ્યાએ આવીને જે મજા આવી ભાઈ, લોકો પહેલા જ્યારે લિફ્ટની સુવિધા નહોતી ત્યારે, રોપવેની સુવિધા નહોતી ત્યારે લોકો ચાલીને આવતા હતા. ચલો હવે તમને હું થોડુંક આગળ ગંગા નદીની હરિદ્વારની થોડીક સફર કરાવીશ તમને. સફરની મોજ કેવી આવે છે એ કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હર હર ગંગે.